नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज TNN। पेश है आज की प्रमुख सुर्खियां। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, देश में 22 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई गई। जीडीपी पर अनुराग ठाकुर और पी चिदंबरम आमने सामने। जीडीपी पर अनुराग ठाकुर का पी चिदंबरम को जवाब, बोले आंकड़ों की हेराफेरी ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, कितने लोगों को दी गई खुराक, वैक्सीन खरीद का ब्यौरा भी मांगा। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार, चमीरा और परेरा ने लगाई लंबी छलांग। वैक्सीन पर राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, दिसंबर तक सभी को टीका देने का केंद्र का दावा महज एक जुमला। हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षा, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होंगी रद्द, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। वहीं CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड के 20 जुलाई तक आ सकते हैं परिणाम। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम्स 2021 भी 10वीं के बाद अब 12वीं की परीक्षा भी रद्द, सभी छात्र छात्राएं होंगे प्रमोट। यूपी में बाजे के साथ बारात लेकर युवक के घर पहुंची युवती, बोली शादी करो नहीं तो दे दूंगी जान। शिकंजा, भगोड़े मेहल चौकसी के मामले में डोमिनिका हाई कोर्ट में हो रही है सुनवाई। अलीगढ़ शराब कांड, आरोपी अनिल चौधरी को VIP सुविधा, वायरल हुआ वीडियो। अनिल का गद्देदार तख्त पर तकिया लेकर बैठे होने का यह वीडियो वायरल हो रहा है, मगर SP देहात का कहना है कि कई दिनों से चल रही पूछताछ और दोपहर में गर्मी के चलते उसने BP की शिकायत बताई थी, इसलिए उसे बाहर बैठने की अनुमति दी गई थी। सेंट्रल विस्ट्रा प्रोजेक्ट निर्माण को हरी झंडी देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल न्यूज TNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।